बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। मेरा ये सवाल है कि मैं डे केयर में जॉब करती हूँ बच्चों के साथ, तो मुझे तकरीबन एक महीना हो गया है। मैं सारे मुनीर साहब के वजीफों से भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और लेकिन मैंने एंटीबायोटिक भी खाई है। मुझे एक महीने से मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ, नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर वापस जॉब पर जाती हूँ तो फिर ठीक हुए हुए 2 दिन नहीं गुजरते मैं फिर बीमार हो जाती हूँ। तो मैं ये चाह रही थी कि वो मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जो कि मैं पाकी में ना पाकी में बच्चों के साथ पढ़ती रहूं, तो हर तरह की बीमारी से और हर तरह के शर से बची रहूं। जी, बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आफरीन कनाडा से कॉल कर रही है। अल्लाह ताला आपकी बरकतों, आपकी दुआओं को हमारे हक में कबूल फरमाए, आपको बरकत अता फरमाए, और ज़ाहिर है कि हम सबको अल्लाह तबारक व तआला सेहत व सलामती नसीब फरमाए। और आप भी बीमार हैं, अल्लाह ताला आपको भी हर तरह शिफा कुली अता फरमाए। और बाकी उसके लिए आप नोट कर लें, या अल्लाह या शाफियो, या अल्लाह या शाफियो, ये जो है 700 दफ़ा पढ़ना है। और इसी तरह या अल्लाह या काफियो, ये 700 दफ़ा पढ़ना है। अगर तादाद 700 की नहीं पूरी कर सकते तो चलते फिरते या अल्लाह या शाफियो, या अल्लाह या काफियो, इसका विर्द रखें बकसरत। और कभी कभी अपने बदन पर फूंक लिया करें। खाने पीने पर भी यही या अल्लाह या शाफियो, या अल्लाह या काफियो, ये 7 दफ़ा दम कर दिया करें। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से शिफा रहेगी और बीमारी लौट के नहीं आएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हज़रत।